नमस्कार, प्रवासी की देसी रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे पुदीना और कच्चे आम की चटनी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। प्रवासी की देसी रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब में बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे ये होगा, जो भी रेसिपी मैं बनाऊंगी आप तक तुरंत पहुँच जाएंगी। तो आइए बनाते हैं पुदीना और कच्चे आम की चटनी। इसके लिए हमने लिए है कच्चे आम, ये छोटे साइज के आम है, इसके बीज कड़े नहीं होते हैं। मैंने इस साइज के 6 आम ले लिए हैं और इसे मैंने छील करके और इसके अंदर से बीज को निकाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से, और इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं जिससे आसानी से पिस जाए। इस तरीके से मैंने आम काट कर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम पीसेंगे और पीसने के लिए मैंने एक मिक्सर जार लिया है और इसके अंदर आम को डाल देंगे। और इसके अंदर डालने के लिए मैंने एक गड्डी हरे पुदीने के लिए थी, मैंने इसे धो करके और इसकी पत्तियों को तोड़ लिया है। और हमने 2 हरी मिर्च ली है, आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं। और इसकी पत्ती को भी इसके अंदर हम डाल देंगे, हरी मिर्च को भी हम 2 से 3 टुकड़े करके डाल देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम डालेंगे, हमने 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने सौंफ पाउडर लिया है। इन दोनों को मैंने भून कर पीसा है, इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। इसको भी डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और 1/2 छोटा चम्मच सादा नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। और इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप पानी, इसे आसानी से पीस जाए। और इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। और ये चटनी हमारी पीस कर तैयार हो गई है, ये बहुत अच्छी चटनी पीसी है। इसे एक बाउल में हम निकाल लेंगे और इसे पुदीने से गार्निश कर देंगे। और हमारी टेस्टी और हेल्दी पुदीना और कच्चे आम की चटनी बनकर तैयार हो गई है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे पूरी, कचौड़ी, समोसे या फिर खाना के साथ परोसिए, सभी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।